नमस्कार दोस्तों, एक बुक मैंने पढ़ी, ये द ओल्ड मैन एंड द सी बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। तो इसका शॉर्ट रिव्यू देने वाला हूँ, और अगर आप इसको पढ़ना चाह रहे हो तो फिर ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसमें जो है वो एक बूढ़े आदमी की जो है वो पराक्रम की, साहस की गाथा जो है वो इसमें बताई गई है, और इससे जो है वो काफ़ी प्रेरणादायक आपको पढ़ने के बाद लग सकती है। क्योंकि कई बार जो है वो हमारे जीवन में हम लोग पहली बात कि अभी जो है वो सोशल मीडिया इन सभी से ज़्यादा जुड़े रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बुक्स इन सभी का जो है वो सिग्निफिकेंस हमने खो दिया है। ये काफ़ी पुरानी बुक है, मीन्स अगर आप देखेंगे तो जो राइटर हैं उसके, वो 1961 में जो है उनकी डेथ हो चुकी है, और इन्होंने जो स्टोरीज़ है अराउंड 1900s के आसपास जो है वो लिखी है, या फिर उससे भी पहले, या फिर उसके कुछ बाद भी। तो ऐसा सीन रहा है कि हमें जो है वो उस समय के जो लोग हैं उनके लिटरेचर साहित्य के बारे में भी पता चलता है कि आखिर वो कैसा लिखते थे। अभी का जो युग है वो तो आप जान ही रहे हो थोड़ा बहुत, लेकिन पहले के लोग कैसे क्रोनोलॉजी में आ रहे थे। और ये जो है वो एक काल्पनिक कहानी भले ही है, लेकिन इसको आपको इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि जो एक व्यक्ति के अंदर पौरुष लाता है, ओके, पौरुष मतलब आप समझ सकते हो कि इन द ब्रॉड सेंस उसका जो हायर लेवल पे वो जो जा सकता है, तो वो इसमें डिपिक्ट कराने की कोशिश करी गई है कि एक मछुआरा जो कि यूजुअली हम लोग फिशरमैन को उतना भाव नहीं देते हैं सीधे शब्दों में बोले तो, क्यों हमें लगता है जो बहुत पैसे वाले हैं उनके पास ही जो है वो सक्सेस है, उनके पास ही पावर है, उनके पास ही करेज है। लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि एक फ़िशरमैन जो कि एक मछुआरा है वो भी जो है वो, उसके पास भी वैसा करेज हो सकता है, जो कि नाम कमाने के लिए नहीं कुछ काम कर रहा है, जो कि पैसे कमाने के लिए नहीं काम कर रहा, और जो उसको सेटिस्फाई करता हो, जो उसको अंदर से करेज देता हो, और वो हो सकता है कि आपको अपने काम में मिले। तो अभी के समय में तो हमें जो है वो पैसा 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 ही दिखाई देता है कि हम काम भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पैसा मिल रहा है, लेकिन आप देखोगे कि इस बुक में जो है वो इस बूढ़े आदमी के पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं कि अगर वो बस छोटे से काम करके अपना पैसा धन उपार्जन करके भी अपना घर चला सकता था, या फिर वो तो अकेला ही रहता था, मीन्स अपना ज़िंदगी चला सकता था, लेकिन कुछ उसको थ्रिलिंग करना था, कुछ उसको अमेजिंग एक्सपीरियंस चाहिए था। तो इस वजह से जो है वो सोचा कि चलो हम थोड़ी समुद्र में निकलते हैं, बड़ी मछलियों को पकड़ते हैं। अब इसको आप दूसरे नज़रिए से मत देखना कि वो आदमी हिंसक है, कि वो मछली मार रहा है, और ये दूसरा नज़रिया भी हो सकता है जो कि आपको लगे कि भाई ये बुक तो बहुत गंदी है, इसको बंद ही कर देना चाहिए, लेकिन उस नज़रिए की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप उस नज़रिए से देखोगे कि इसके जो साहस की गाथा है, पराक्रम की बात करी गई है, उस नज़रिए से देखोगे तो एक आदमी जो कि अपने से बहुत बड़े काम को भी अंजाम दे सकता है, और उसे पूरी लगन और मेहनत से भी कर सकता है, और ज़रूर कहीं ना कहीं उसे बाद में सफलता मिलती है। और ऐसा जो नहीं है कि अगर सफलता नहीं भी मिलती फिर भी वो सेटिस्फाई होता है। बुक में अगर आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा एक बीच में कि जब वो एकदम टूट चुका था, एकदम हार्ड चुका था उस मछली के आगे, लेकिन फिर भी उसके मन में एक संतोष था कि मैं कर तो रहा हूँ, और वो जो संतोष था वो उसको शायद बाज़ार में कहीं नहीं मिलती, और वो उसको अपने काम से ही मिलती है। तो एक 18 फीट की मछली रहती है, डॉल्फिन लगभग जो है वो पकड़ता है, और जब वो उसे लेके आता है शोर पे, मतलब तट पे जब लेके आता है, तो आधी या आधी से ज़्यादा मछली जो है वो सार खा चुके रहते हैं, कुछ वो भी खा चुका रहता है, लेकिन उसे जो मज़ा है वो शायद जो है वो उसी में ही मिलता है कि मैंने ऐसा काम किया। और ये जो है वो आपको लग सकता है कि ईगो या एटीट्यूड की बात हो सकती है, लेकिन ये और ईगो और एटीट्यूड जो है वो कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट में है कि दूसरे का हानि इसमें नहीं कर रहे हैं। अगर हाँ, मछली के नज़रिए से देखोगे तो आपको हानि लगेगी, लेकिन एक पर्सन के नज़रिए से देखोगे तो कहीं ना कहीं उसको उस चीज़ में अच्छा लग रहा है, मीन्स वो जो नहीं कर पा सकता था उससे भी उसने किया। ओके, सो आई होप कि आपको कुछ कंटेक्स्ट समझ में आया होगा, और बाकी आप जो है वो बुक को पढ़ने के बाद आपका खुद का भी ओपिनियन बहुत कुछ बन सकता है, तो आप उसे भी साझा करें। तो बहुत कम पेजेस है, अराउंड देखोगे तो इसमें जो है वो 18
100 के अराउंड पेजेस है। ओके देखो यहाँ पे 99 पे जो है वो फिनिश हो गई है और स्टार्ट भी 4 या 5 नंबर पेज से हुई थी, तो ज़्यादा पेजेस नहीं है। मैंने 3-4 दिन में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लिया था, तो आप भी इसे जो है वो पढ़ सकते हो। और आपकी क्या इसकी राय है अगर आप पढ़ने के बाद जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बुक को परचेज़ करने का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जो है वो इसे परचेज़ भी कर सकते हो। ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे, बाय।